ईवी इकोसिस्टम का एक अननोन स्टॉक है ग्रेविटा इंडिया, जिसका मुख्य काम रिसाइकल करना है और ये इनके रेवेन्यू में 99% का योगदान करता है। टंकी प्रोजेक्ट्स का प्लानिंग, डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, हैंडओवर और मेंटेनेंस का काम ही करती है, जो कि इनके रेवेन्यू में 1% का योगदान करते हैं। रिसाइकलिंग में कंपनी लेड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और रबर का रिसाइकल करती है, जिसका इस्तेमाल बैटरी, केबल, पेंट, पिगामेंट इंडस्ट्री, डाईकास्टिंग और प्लास्टिक इंडस्ट्री में किया जाता है, जिसमें लेड 99% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करता है। कंपनी के दुनिया भर में 3168 टच पॉइंट्स, जहां से अपने प्रोक्योरमेंट नेटवर्क के जरिए 250,000 मेट्रिक टन स्क्रैप कलेक्ट करके अलग अलग देशों में इनके 11 प्लांट से जहां से रिसाइकल करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो इनके 350 से ज्यादा कस्टमर को डिलीवर करती है। अब आप बोलेंगे कि इन सब का ईवी इकोसिस्टम से क्या लेने देना, तो ईवी के बैटरी का एक मेन कंपोनेंट में से एक है लीड, जो कि कंपनी रिसाइकल करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक ईवी बैटरी की जिंदगी 10 साल की होती है और 2020 के बाद से ईवी का डिमांड बढ़ रहा है, मतलब कि बैटरियां 2030 तक खराब होंगे, जिसे रिसाइकल करने का काम ग्रेविटा जैसी कंपनियां करेंगी। इसीलिए कोटक ने इसे एक राइजिंग इंडस्ट्री कहा है और इनके पास अभी 60,000 मेट्रिक टन का ऑर्डर बुक है। 2027 से कंपनी 500,000 मेट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी तक पहुंचना चाहती है। इसके साथ ही लिथियम आयन बैटरी के लिए बड़ा कैपेक्स फंड करने वाली और इसके लिए कंपनी फॉरेन विजिट भी कर रही है। फंडामेंटल भी अच्छे नंबर से बढ़ रहे हैं। प्रमोटर्स और पब्लिक अपने स्टेक कम कर रहे हैं, जिसे FIIs और DIIs बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं।